हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मित्सुबिशी ड्राइव इंस्टॉलेशन के लिए उसमें कौन कौन से बेसिक पैरामीटर सेट करना होते हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एवं इन पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है यह भी हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ड्राइव के ऊपर कीज दी गई है उनका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको मोड की मिलती है, उसका मतलब होता है कि आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं मैनुअली। सेट बटन दिया गया हो तो सेट बटन का मतलब होता है आप कोई वैल्यू को यहाँ से सेट कर सकते हैं। PU और एक्सटर्नल बटन दिया गया हो जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो ग्रीन वाला बटन होता है वो रन के लिए होता है, यदि हम ड्राइव को यहाँ से चला रहे तो यहाँ से रन कर सकते हैं। जो रेड वाला बटन होता है स्टॉप बटन होता है, हम यहाँ से हमारे ड्राइव को स्टॉप कर सकते हैं। चलिए बात आती है पैरामीटर की, तो सबसे पहले इसमें जो पैरामीटर आता है वह आता है P0 जो कि टॉर्क बूस्ट होता है। देखिए P0 टॉर्क बूस्ट पैरामीटर होता है। नॉर्मली हमारी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो वो यहाँ से ट्रिप हो जाएगी क्योंकि उसे टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ से जो P0 पैरामीटर से बढ़ाकर यहाँ पे टॉर्क बूस्ट टॉर्क चेंज कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है P1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हमें ड्राइव को कितनी फ्रीक्वेंसी पे रन करना है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। किसी भी मोटर को कितनी फ्रीक्वेंसी पे घुमाना है, यहाँ पे 55 फ्रीक्वेंसी चल रही है मतलब हमारी ड्राइव 55 फ्रीक्वेंसी में रन होने वाली है। दूसरा पैरामीटर आता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि P2 होता है, हमारी ड्राइव कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम नहीं जाए। तो आप यहाँ पे जितनी भी सेट कर, हमने यहाँ पे 0 सेट किया है। P3 होता है बेस फ्रीक्वेंसी, हमारी मोटर कितनी फ्रीक्वेंसी पे रन होने के लिए बनाई गई है बेस फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे हमने 50 हर्ट्ज सेट किया है। चौथा पैरामीटर आता है बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे पास मल्टी स्पीड सेटिंग होता है। जो P4 सेटिंग होता है ये हाई स्पीड के लिए होता है। मल्टी स्पीड में यदि हमें रन करना हो तो P4 में हमें मैक्सिमम कितनी स्पीड पर रन करना है वो सेट कर सकते हैं। P5 होता है जो कि मीडियम स्पीड होता है, मीडियम स्पीड में हमारी मोटर को कितने पे रन करना है वो P5 में सेट कर सकते हैं। P6 बेसिकली जो होता है वो होता है लो स्पीड के लिए। बेसिकली इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है कि यदि आप देखना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगला पैरामीटर होता है P7 जो कि एक्सेलरेशन टाइम होता है। हमारी मोटर सपोज 50 हर्ट्ज पे अभी रन कर रही है तो हमारी मोटर को जीरो फ्रिक्वेंसी से 50 हर्ट्ज जाने में जितना टाइम लगेगा वो उसका एक्सेलरेशन टाइम होता है। धीरे धीरे स्टार्ट होते मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी में जाने में जो टाइम लगता है वो एक्सेलरेशन टाइम होता है। यहाँ पे 2.1 सेकंड दिया है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें 2.1 सेकंड में आ जाएगी। अगला पैरामीटर होता है P8 जो कि डीएक्सेलरेशन टाइम होता है। हम हमारी मोटर को जब स्टॉप करते हैं तो फुल स्पीड से जीरो स्पीड आने में जो टाइम लगता है वो उसका डीएक्सेलरेशन टाइम होता है। यहाँ पे 3 सेकंड हमने सेट किया है डीएक्सेलरेशन टाइम में, जो कि मोटर को जब हम स्टार्ट स्टॉप करते तो फुल स्पीड से जीरो स्पीड आने में टाइम होता है। अगला पैरामीटर होता है 9 जो कि उसका होता है ओवरलोड करंट, हमने यहाँ पर 6.25 एम्पीयर सेट किया है। जैसे ही 6.25 एम्पीयर से ज़्यादा हमारी मोटर करंट लेगी तो हमारी ड्राइव सेट हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है लॉक पैरामीटर जो कि 77 यहाँ पे दिया गया है। 77 में आप ड्राइव के पैरामीटर लॉक कर सकते हैं। यदि आप 0 सेट करते हैं तो आप ड्राइव के पैरामीटर सिर्फ जब भी चेंज करवाएंगे जब हमारी ड्राइव स्टॉप में रहेगी। यदि आप 1 सेट करते आपकी ड्राइव परमानेंट लॉक हो जाएगी। यदि आप इसमें 2 सेट करते तो आपका लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा 2 से। 1 से लॉक हो जाएगा, 2 से बेसिकली ओपन हो जाएगा और 0 से जब आपकी ड्राइव स्टॉप रहेगी जब पैरामीटर चेंज हो सकते हैं। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखा जाए तो 79 होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऑपरेशन मोड सिलेक्शन होता है। इसमें आप यदि 1 सेट करते तो जो आपके ड्राइव है उसको स्टार्ट स्टॉप आपके जो ड्राइव के ऊपर की दी गई है वहाँ से होगा और फ्रीक्वेंसी बेसिकली पोर्ट से चेंज होगी जो उसके ऊपर दिया गया है। यदि आप यहाँ पे 2 सेट करते हैं तो 2 सेट करने की कंडीशन में क्या होगा, आप एक्सटर्नल पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप कर सकेंगे और स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको पोटेंशियोमीटर वहाँ पे लगाना होगा। यदि आप 79 में 3 सेट करते तो पुश बटन से आप स्टार्ट स्टॉप भी कर पाएंगे और जो ड्राइव के ऊपर पोटेंशियोमीटर दिया गया है उससे आप बेसिकली आप आपकी फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा कर पाएंगे। यदि 79 में आप 4 सेट करते हैं तो आप बेसिकली जो ड्राइव के ऊपर जो बटन दिया गया है वहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर पाएंगे और आपको इसके लिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर लगाना होगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको किस हिसाब से आपके ड्राइव को रन करना है। अगला पैरामीटर यहाँ पे बेसिकली 79 में आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देख सकते हैं हम 0, 1, 2 कुछ भी सेट करते हैं, यहाँ पे 3 सेट किया गया है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ड्राइव में ऑपरेशन मोड सिलेक्शन में सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और पैरामीटर आता है जो कि 160 होता है। जो 160 पैरामीटर होता है यदि आप ड्राइव को लॉक करना चाहते हो, यदि आप चाहते इसके अलावा
खचित 80 नंबर का पैरामीटर होता है। जो 80 नंबर पैरामीटर होता है वो आपके होते हैं मोटर आपकी कितने किलोवाट की है, उसे यहाँ पे मोटर कैपेसिटी आपको डालना होती है। जो 80 नंबर पैरामीटर होता है मोटर कैपेसिटी होता है। उसके बाद 83 होता है कि आपके मोटर कितने वोल्टेज पे रन होने वाली है। हमने 400 सेट किया है, दैट मीन 400 वोल्ट पे हमारी मोटर यहाँ पे रन होने वाली है 83 में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है 160 का। देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं, बेसिकली देखा जाए तो 83 हो गया, उसके बाद हमें 160 सेट करना होगा। यदि आप चाहते हैं कोई भी अदर पर्सन आपके ड्राइविंग के पैरामीटर को कोई भी चेंज नहीं करें, तो आप इसमें बेसिकली 160 पैरामीटर सेट कीजिए। 160 में यदि आप 0 सेट करते हैं तो आपके कोई भी पैरामीटर किसी को नज़र नहीं आएगा, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पैरामीटर ही नज़र आएंगे। यदि आप उसमें 1 कर देते हैं तो 1 करने पर आपके जो ड्राइव के सभी पैरामीटर वो नॉर्मल कंडीशन में रन हो। कई बार आपकी क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी पर्सन आपके ड्राइव के पैरामीटर को चेंज नहीं करे, तो उसके लिए आप 160 में 0 सेट कर दीजिए। उससे किसी भी पर्सन को कोई भी पैरामीटर नज़र नहीं आएगा और वो कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं कर पाएगा। सो आई होप ये बेसिक वीडियो आपको समझ में आया हो किस तरह मित्सुबिशी ड्राइव में इंस्टॉलेशन के समय हमें कौन कौन से पैरामीटर सेट करना होते हैं। यदि इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए। यदि हाई लो और मिड स्पीड के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाके आपको डिटेल में सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।